स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, किस देश ने नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है? ए बारबाडोस, बी डोमिनिका, सी गुयाना, डी जमैका। आंसर बी डोमिनिका। एक्सप्लेनेशन, डोमिनिका ने घोषणा की है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान करेगा। ये पुरस्कार डोमिनिका के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन द्वारा 21 नवंबर 2024 को गुयाना के जॉर्जटाउन में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन में प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न, जनजातीय गौरव दिवस हर साल 15 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ए अल्लूरी सीताराम राजू, बी रानी गाइडेनेलियो, सी बिरसा मुंडा, डी तांतिया भील। आंसर सी बिरसा मुंडा। एक्सप्लेनेशन, जनजातीय गौरव दिवस जिसे आदिवासी गौरव दिवस के रूप में भी जाना जाता है भारत में हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ उलगुलान आंदोलन का नेतृत्व किया और भारत में जनजातीय लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। अगला प्रश्न, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का कौन सा स्तर आमतौर पर गंभीर माना जाता है? ए 450 से ऊपर, बी 400 से ऊपर, सी 300 से ऊपर, डी 200 से ऊपर। आंसर बी 400 से ऊपर। एक्सप्लेनेशन, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI एक संख्या है जिसका उपयोग सरकार द्वारा आम जनता को हवा की गुणवत्ता बताने के लिए किया जाता है। प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि के साथ वायु की गुणवत्ता बिगड़ती है। 400 से ऊपर AQI की गंभीर श्रेणी है जिससे सामान्य और रोगग्रस्त लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ये संवेदनशील समूहों पर गंभीर स्वास्थ्य प्रभाव भी डालता है। अगला प्रश्न, भारतीय पावर ग्रिड के माध्यम से शुरू किए गए पहले त्रिपक्षीय बिजली लेन देन में कौन से देश शामिल थे? ए भारत, नेपाल और बांग्लादेश, बी भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका, सी भारत, भूटान और म्यांमार, डी भारत, नेपाल और भूटान। आंसर ए भारत, नेपाल और बांग्लादेश। एक्सप्लेनेशन, नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच पहला त्रिपक्षीय बिजली लेन देन 15 नवंबर 2024 को भारतीय पावर ग्रिड के माध्यम से शुरू किया गया था। इस समझौते के तहत नेपाल भारत की ट्रांसमिशन लाइनों का इस्तेमाल करके बांग्लादेश को बिजली भेजेगा। इस समझौते से बिजली क्षेत्र में उपक्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में ब्लिट्ज खिताब किसने जीता? ए विदित गुजराती, बी अर्जुन एरिगैक्सी, सी आर प्रज्ञानंद, डी मैग्नस कार्लसन। आंसर डी मैग्नस कार्लसन। एक्सप्लेनेशन, कोलकाता में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में विश्व नंबर एक मैग्नस कार्लसन ने रविवार को एक राउंड शेष रहते हुए ब्लिट्ज खिताब जीतकर एक उल्लेखनीय डबल पूरा किया। उन्होंने अंतिम दौर में भारत के अर्जुन एरिगैसी के खिलाफ वापसी की और अजेय 12 अंक तक पहुंच गए।